हेलो एंड वेलकम बैक टू ड्रीम एडवेंचर्स। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स सीखना चाहते हो लेकिन उस पर पैसा लगाना भी है और पैसा वापस भी चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल किया जाए? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो है। बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स पे पैसा लगाएंगे और फिर वो पैसा आपको रिटर्न में वापस भी आएगा। आप एड्स सीख भी पाओगे, प्रैक्टिकली उसको कर भी पाओगे, लेकिन कैसे? बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि भाई मैं बोलता रहता हूँ कि खुद से सीखो, खुद से करो, खुद से एड्स कैंपेन वगैरह बनाओ, सब कुछ सीखो, लेकिन उसमें क्योंकि पैसे लगाए बिना आप नहीं सीख सकते, तो लोग पूछते हैं कि कैसे किया जाए फिर ये। बिल्कुल पॉसिबल है, फुल प्रूफ तरीका मैंने खुद पहले किया है और फिर आपके लिए लेके आया हूँ ताकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे सकूँ, एक ठोस सॉल्यूशन जो सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो दे सकूँ। YouTube के ऊपर पूरे कहीं पे भी ये आपको वीडियो नहीं मिलेगी। ये बहुत ही रियल और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैंने खुद पहले ट्राई एंड टेस्ट किया है फिर आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपकी मदद हो सके, ताकि आप भी ये अगर करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, आप पेड मार्केटिंग अगर चुनना चाहते हैं और उसके अंदर आप सीखना चाहते हैं, पहले आप खुद से पूरा लर्न करना चाहते हैं कैंपेन्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे पूरी टारगेटिंग की जाती है, सब कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन पैसों की वजह से पैसों बिना लगाए आप उसमें बेसिकली नहीं कर सकते हैं, तो पैसे लगा के आप बेसिकली पूरा एड्स वगैरह की टेस्टिंग करोगे, रन करोगे और फिर उसके बाद आपको पैसे वापस आने की भी गुंजाइश 99.9% है। यहाँ मैं कोई फर्जी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, आपको खुद मैं स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूँ, सिर्फ अपने टेस्ट केस जो मैंने टेस्ट किया उसके रिजल्ट दिखाने के लिए। ये मैं आ चुका हूँ अपने एनालिटिक्स पे, शॉपिफाई के एनालिटिक्स पे, बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैंने टेस्टिंग करी है और रिसेंटली मैंने अभी टेस्ट किया है जो कि फुल प्रूफ सॉलिड तरीका है। यहाँ मैं डेट रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, कोई मेरे से सवाल जवाब ना करे फालतू के, उस चीज़ के लिए यहाँ पे मैं डेट रेंज अपनी फ़िलहाल सिलेक्ट कर रहा हूँ आज तक की। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने टोटल सेल जो है 60,000 के अप्रॉक्सीमेटली जनरेट करी है, और ये इसमें मैंने कितने ऑर्डर्स आए हैं मेरे, 82 ऑर्डर्स मैं लेके आया हूँ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू 736 है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने अभी रिसेंटली टेस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद आप देख सकते हो जीरो है। ये मैंने लास्ट अभी पिछले ही महीने ट्राई किया था जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। तो उन लोगों के लिए जो कुछ भी सोचते रहते हैं उनको पहले ही मैं बता दूं, कमेंट करने से पहले आपको बता दूं कि ये मेरा कोई मेन काम नहीं है, ये मैंने टेस्ट करा है सिर्फ, ये मैंने सिर्फ टेस्ट करा है। कोई आप कहेगी, आप में से कोई उठ के कह देगा कि भैया ये तो बहुत ही इतनी सी सेल से क्या होगा, अरे भैया मैंने टेस्ट किया है सिर्फ ये करने के लिए कि क्या ये सॉलिड प्रूफ तरीका है कि जिससे आप सीख सकते हो या नहीं, तो ये उस चीज़ के लिए मैंने टेस्ट किया है, ये मेरा मेन काम नहीं है, ये मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल की। ड्रॉप शिपिंग का अगर आपको मतलब नहीं पता तो चलो मैं स्क्रीन पे लेके आपको सही से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये आपका ऑनलाइन स्टोर है, ये है आपका ऑनलाइन स्टोर। अब यहाँ पे आपके पास कोई है बेसिकली सप्लायर, ठीक है, और आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ हम लिख देते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको लाना है कस्टमर स्टोर के ऊपर, ठीक है, आपको कस्टमर लेके आना अपने स्टोर के ऊपर, और उसके बाद आपके स्टोर पे जब कस्टमर आके कोई सेल जनरेट होगी या कस्टमर ने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर आप क्या करेंगे, ला के दे देंगे सप्लायर को, वो ऑर्डर आप सप्लायर को ला के दे देंगे। ये सब कैसे हो रहा है, किसी सॉफ्टवेयर से, कोई भी चीज़ फिजिकली नहीं, सब डिजिटली किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हो रही है, और एक बार जब सप्लायर ने को आपने ऑर्डर दिया तो उसका काम है सप्लायर का कि कस्टमर को वो ऑर्डर डिलीवर कर देगा। तो आपका काम क्या था, कस्टमर लाना अपनी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट से फिर सप्लायर को आपने भेज दिया ऑर्डर और सप्लायर ने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। अब डिलीवर होने के बाद आपको कहेंगे पैसा कहाँ, पैसा कहाँ है, तो सप्लायर उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट था, आप मान लो कि प्रोडक्ट आपका 300 रुपये का था, उसको आपने 500 रुपये का बेचा, तो 200 रुपये का जो प्रॉफिट था, 500 माइनस 300, 200 का जो प्रॉफिट था, ये आपको सप्लायर दे देगा सीधा आपके फिर से स्टोर के ऊपर, एक गेटवे होता है जहाँ पे आपको ये पैसा आ जाएगा, या मतलब डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो बेसिकली ये है ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे मेरा सीखने, फेसबुक एड्स से क्या मतलब है, मेरा सीखने का क्या पर्पस है,
तो यार देखो, मैंने क्या सोचा कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं लोग, तो इससे आपके दो चीज़ें हल हो जाएंगी। हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं ऐड चला के, हम वेबसाइट पे कस्टमर को लेके आते हैं ऐड से। कौन से ऐड्स होते हैं? ज़्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम के मेटा ऐड्स होते हैं। गूगल ऐड्स भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर CPC बहुत हाई जाता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही टिकने का। तो ये मैंने ट्राई किया, टेस्ट किया कि यार हाँ, क्या सच में पैसा रोटेट होके आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, और मेरे को पेमेंट्स मेरे बैंक अकाउंट में आई हैं। उसी के बाद मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने आपको सेल आपकी मैंने अपनी दिखा दी कि 60,000 की सेल में मैंने कुछ आई थिंक 15% के करीब प्रॉफिट किया है, तो वो मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है। और एक बारी में नहीं आता, जैसे जैसे आपकी सेल होती रहती है, जैसे जैसे आपका वो होता रहता है, बैंक अकाउंट में पैसा आता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर्पस मेरा ड्रॉप शिपिंग से नहीं है, यहाँ मेरा पर्पस है कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं पैसा लगा के आप सीखना भी चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा पैसा रिटर्न भी आ जाए और बच जाए। तो मान के चलते हैं मैंने 20,000 के एड्स रन करे, जैसे अगर मैंने 60,000 का ये जो अभी आपको फिगर दिखाया उसके लिए मैंने लमसम अराउंड 12-13,000 के GST के साथ विद टैक्स मैंने ऐड चलाए हैं। तो अब आप भी सेम करना चाहते हैं, मान लीजिए कि भाई मेरे को भी 10-12 कैंपेन्स अपने हाथ से साफ करने हैं, लर्न करना है, तो क्या प्रोसीजर है उस पर अब हम बात कर लेते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डोमेन लेना है। तो सबसे पहले आपको लेना है डोमेन, इसको आपको कनेक्ट करना है अपने शॉपिफाई से। अब ये मैं भाई बोल रहा हूँ कि आपको जो इसके टेक्निकल वीडियोस हैं कि भाई डोमेन कैसे लेते हैं, या फिर आप शॉपिफाई को कनेक्ट कैसे करते हैं, अब यार ये सब काम मैं इतना मांग के चल रहा हूँ कि आप इतना तो कर ही लेंगे, आपकी यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप इसकी एक एक वीडियो देखते जाओ, प्रोसेस को रेप्लीकेट कर लो, कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज़ हैं। अब मैं टेक्निकल वीडियोज़ नहीं बना सकता इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको सीखना है और आपका पैसा भी नहीं लगे, वो मेरा मकसद है कि कैसे आप फ्री में अल्टीमेटली सीख सकते हैं कम से कम पैसे में। तो शॉपिफाई से आपको पहले डोमेन अपना कनेक्ट करना है, फिर शॉपिफाई के अंदर ऑनलाइन स्टोर में आपको आपका बेसिकली स्टोर नज़र आता है, और स्टोर के अंदर आप अपनी थीम्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये सब काम आप कर सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, नेविगेशन सेट कर सकते हैं, अपने मेन्यू, अपनी पूरी वेबसाइट, बेसिकली एक ई कॉमर्स की वेबसाइट जैसे होती है वो पूरी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बेसिकली कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स करनी है कि मेरा प्लान कैसा होगा, स्टोर की डिटेल्स कैसी हैं, मेरे पेमेंट्स कैसे होंगे, मेरा चेकआउट्स कैसे होगा। ये बेसिकली आप एक छोटी सी वेबसाइट बना रहे हो, समझ रहे हो बात को ना, एक ई कॉमर्स छोटी सी वेबसाइट बना रहे हो जहाँ से आपको प्रोडक्ट्स बेचने हैं, और उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, सेल जनरेट करनी है, एंड देन आपको उससे पैसा कमाना है, फेसबुक एड्स के कैंपेन रन करते रहने हैं सीखने के लिए। तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पे टैक्सेस है, शिपिंग है, डिलीवरी है, ये सारी सेटिंग्स आपको ऑनलाइन वीडियोस में मिल जाएगी कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मैं मोटा मोटा आइडिया दूंगा। उसके बाद शॉपिफाई को आपको कनेक्ट करना है किसी सेलर के साथ, ये सेलर है, सेलर के साथ। अब मैं यहाँ किसी भी सेलर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऑब्वियसली मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ना प्रमोशनल वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपको सेलर्स यहाँ पे बहुत सारे शॉपिफाई पे मल्टीपल मिल जाएंगे, आप उनमें से किसी को भी जाके एक्सप्लोर करो, रिव्यूज़ पढ़ो, सेलेक्ट करो, और आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो जो बेसिकली थोड़ा मार्केट में इस समय फेमस हो। थोड़ा पढ़ लेना उसके बारे में, आपको समझ आ जाएगा। आपको बेसिकली सेलर वो लेना है जिसके जो इंटीग्रेशन पॉसिबल कर रहा हो, इंटीग्रेशन जिसके पास हो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन होना मस्ट है, बस ये ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन के बिना सेलर के पास ऑर्डर नहीं जाएगा, और सेलर से फिर आपको पैसा नहीं आएगा, ये पूरा जो साइकिल है बेसिकली। फिर RTO होता है, ऑर्डर रिटर्न होता है, यानी कैंसिल हो रही है डिलीवरी, वो सारी चीज़ें आपको कहीं तो देखनी पड़ेंगी। कोई इंटीग्रेशन एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि आपके पास भी ऑर्डर आए, उसके पास भी जाए, ये पूरा जो प्रोसेस है वो आपके कंट्रोल में रहे, उसके लिए इंटीग्रेशन मस्ट है। तो कोई भी सेलर लो, अपने आप रिव्यूज़ देखो, YouTube पे जाओ, वीडियोज़ देखो, पढ़ो, और कोई भी सेलर आप चुन लो। अब आपका काम क्या रह जाता है यहाँ पे, जब आपने सेलर चुन लिया, उसके बाद आपको अपनी वेब्स, आपको बेसिकली अपने स्टोर के ऊपर, जो भी आपका स्टोर है उस पर आपको पुश करने हैं प्रोडक्ट्स। अब आपको निकालने हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके सेलर के पास होंगे, और वो करने हैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर पुश। एक बटन होगा, वहाँ से आपके पुश हो जाएंगे प्रोडक्ट्स,
फिर आप उसके ऊपर जाओ, अगेन उसके ऊपर जाके आप एक जैसे आप वर्डप्रेस पे साइट बनाते हो, ये सिंपल वैसा ही है यार, कुछ नहीं है। आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपको उसकी पूरी पोस्ट तैयार करनी है, एक पूरा एक पेज बनाना है, और वो आपका कहाँ होगा, शॉपिफाई के ऊपर ही। तो पुश करना है आपको प्रोडक्ट और फिर उसके बारे में पूरा पेज बनाना है, बस दैट्स इट। पुश प्रोडक्ट पेज बनाओ। तो प्रोडक्ट कौन सा चुनना है, प्रोडक्ट ऑब्वियसली वो चुनो जो मार्केट के अंदर थोड़े वायरल हों, जो थोड़े मार्केट में चल रहे हों। आप उसकी रिसर्च करो थोड़ी सी, ताकि पैसा आपका वापस आना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ आपका पैसा वापस आ सके। तो यहाँ से बेसिकली अब आपका शुरू होता है सिस्टम फेसबुक एड्स का। अब जब आपने ये कर दिए पुश प्रोडक्ट्स, आपकी अब आपकी मान लेते हैं एक साइट जो है तैयार हो गई है, ठीक है, ये आपकी है साइट, ऑनलाइन आप हो गए लाइव। अब बेसिकली आपको यहाँ लेके आना है कस्टमर, किससे वो लेके आओगे आप, मेटा के एड्स से। यही है हमारा मेन पर्पस, हमें बेसिकली ये सीखना है मेटा एड्स। तो अब आपको कैंपेन बनाओ, ठीक है। अब मैं इसका भी ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इसके लिए क्या चाहिए। अब आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो, आपको सोशल मीडिया के ऐड सीखने हैं, तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए फेसबुक का पर्सनल अकाउंट चाहिए, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फेसबुक पर्सनल जब आपने बना लिया, या फिर अगर आपके पास है उसको यूज़ कर लो, उसके बाद आपको बनाना है बिजनेस पेज, उसके बाद आपको बनाना है मेटा बिजनेस मैनेजर। ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सही से गो थ्रू करने हैं। उसके बाद है मेटा बिजनेस सूट, ठीक है, एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है एड्स मैनेजर। यही हमारा पर्पस है, इसको सीखना है हमें, जहाँ कैंपेन्स वगैरह बनाए जाते हैं और रन किए जाते हैं। तो बेसिकली आपको ये एक और टिप मैं यहाँ पे दूंगा कि कभी भी आप बिजनेस पेज बना रहे हैं या प्रोफाइल अगर आपकी है और आप बना रहे हैं, तो एक दिन छोड़ के एटलीस्ट सब कुछ बनाओ, एक दिन छोड़ के एक दिन करना कभी कभार, वरना आपकी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी फेसबुक के ऊपर, क्योंकि आप एकदम से करोगे फेसबुक को लगेगा स्पैमर है, स्पैम कर रहा है। तो हमेशा एक दिन छोड़ के एक दिन करो सारे काम, ताकि फेसबुक को भी उसको कैश करने में टाइम लगे थोड़ा सा, और वो उसको गो थ्रू कर सके। हमेशा जब पेज बना रहे हो फेसबुक के पेज के ऊपर, पहले थोड़ी सी पोस्ट वगैरह डाल दो, ताकि उसको लगे कि ऑथेंटिक बंदा है। ये एक टिप थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वरना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अकाउंट, और ऐड तो आप दूर ही चला पाओगे, सीखोगे तो बात की बात, क्या ही सीखोगे। तो उसके बाद देखो, मैं आपको एड्स मैनेजर पर, जब आप पहुँच गए हो तो एड्स मैनेजर बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर आपके क्या अकाउंट्स होते हैं, आप अपने डिफरेंट अकाउंट देख सकते हो, जैसे मेरे 3 अकाउंट हैं, ऑब्वियसली मैं यहाँ हाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं नाम वगैरह नहीं दिखा सकता सेफ्टी के लिए अपनी। और यहाँ पे मैंने जैसे इसके लिए टेस्ट कैंपेन्स कुछ रन किए थे, वो ये कैंपेन्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंट एड सेट्स होते हैं, उसके अंदर आपके डिफरेंट एड्स होते हैं। तो ये हमारा मकसद है, इस पे हमें कैंपेन्स बनाना सीखना है, कैसे टारगेटिंग करते हैं, कैसे कैंपेन बनाते हैं, फिर कैसे एड सेट्स बनाते हैं, फिर कैसे एड्स बनाते हैं। हमारा पूरा अल्टीमेट एम इसी प्लेटफॉर्म को सीखना है, और यही है बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक पार्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आप सोशल मीडिया के एड्स और उसमें भी मेटा एड्स के अंदर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के एड्स इसी प्लेटफॉर्म से रन करते हैं। तो देखो यार, ये मेरा पर्पस था कि आपको बेसिकली ये समझा सकूं कि कैसे आप बेसिकली एड्स सीख सकते हो और आपका पैसा वापस भी आ सकता है। पैसा वापस आता है, उसके लिए मैं आपको कुछ अपनी पेमेंट्स दिखा देता हूँ जो मेरी आई हैं, जो मेरा सेलर अकाउंट है उसके अंदर मैं आपको कुछ पेमेंट दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, अभी तक मुझे इतने रुपए आ चुके हैं, ये मेरे रोटेशन में पैसे चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी मेरे ऑर्डर्स जो हैं जा रहे हैं, डिलीवर होने हैं, वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो अभी पैसा रोटेट होके कुछ टाइम टू टाइम में आता है, हर सेलर का डिपेंड करता है कौन से सेलर के साथ आप काम कर रहे हो। यहाँ मैंने सेलर का नाम ऑब्वियसली छुपा रखा है ताकि प्रमोट ना हो, तो लेकिन पैसा आता है। ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, यहाँ पे आप रिसीप्ट देख सकते हो, अलग अलग टुकड़े टुकड़े में पैसा आता रहता है। तो अब बात है कि सारी बात आ जाती है कि देखो, सब कुछ पॉसिबल है, आप करना चाहते हो या नहीं, ये है बात। अब आपके पास बेसिकली आपने, अब हमने किया क्या है, हमने एक
मैं आपको अगर फिर से इसकी समरी दे दूं पूरी, तो समरी हमारी ये है कि हमने बनाना है ड्रॉप शिपिंग का स्टोर, जो आप पढ़ सकते हो कोई भी फ्री कोर्स लेके। ड्रॉप शिपिंग स्टोर से हमने यहाँ पे चलाने हैं मेटा एड्स, ताकि हम इस पे कस्टमर को ला सकें। और उसके बाद मेटा एड्स हम क्यों चला रहे हैं, ताकि हम लर्न कर सकें कैंपेन्स बनाना। और हम इस दौरान हमें कोई 100-500 रुपए नहीं खर्चने, हमें अच्छे से कैंपेन्स बनाना सीखना है। इसलिए कम से कम हम कैंपेन्स के अंदर मान के चलो 10,000 रुपये उड़ाएंगे। अभी हमें उड़ाएंगे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 10,000 रुपये आप डाल भी दोगे ना, तब भी गुंजाइश है कि अगर आपके 60-70% ऑर्डर भी बिके, तो देखो ये 10,000 रिकवर हो जाएंगे, रिकवरी होएगी, बेसिकली रिकवरी हो जाएगी इस पैसे की जब ऑर्डर बिकेगा ड्रॉप शिपिंग से। मानो मेरी बात, क्योंकि हो रहा है ऐसा, रिकवरी हो जाएगी। मान के चलते हैं यार कि 10,000 नहीं भी आए, 7,000 रुपये आ गए आपके वापस, बुरा है क्या? 3,000 में आपने 10,000 के ऐड सीख लिए चलाने, और ये 10,000 के ऐड जब आप चलाने सीखोगे, तो आप सोचो आपकी लर्निंग कैसी होगी, आपके कैंपेन्स आप कितने तगड़े बना लोगे, एड सेट्स, पूरा प्लेटफॉर्म आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग कर पाओगे आप, रोज़ टेस्टिंग कर पाओगे। 10,000 रुपये को आप डिवाइड कर लो, आप 500 रुपये भी रोज़ चला रहे हो, तो आप 20 दिन तक कंटिन्यूसली एड्स को चला सकते हो, आपको कितनी नॉलेज मिलेगी। और 10 क्या मैं कह रहा हूँ आपको, अगर रिजल्ट आ रहा हो तो आप इसको स्केल करो, आप इसको स्केल करो, 20,000 लगाओ, 50 लगाओ, क्या दिक्कत है, जब आपको रोटेट ही तो करना है, सीखते रहो, पैसा आने दो फिर लगाओ, पैसा आने दो फिर लगाओ। तो सोचो आप अगर आप यहाँ इस लेवल पे पहुँच जा रहे हो, शुरू में आप जब फ्रेशर हो, बिगिनर हो, या सीखना चाह रहे हो, क्या आप इस चीज़ों को अपने पोर्टफोलियो में डालोगे तो क्या असर नहीं पड़ेगा? पोर्टफोलियो में डालोगे, आप दिखाओगे कि कहीं जाओगे, आप इंटरव्यू में जाओगे, कहीं कहीं आप किसी से बात करो, आप उसे बोलोगे यार मैंने 20,000 के ऐड चलाए हैं और ये रिजल्ट्स आए हैं, इससे मेरे को 20,000-50,000 की सेल जनरेट हुई है, और मैंने इतना प्रॉफिटेबल भी था मेरा ये बिज़नेस, और छोटा सा आपका बिज़नेस भी हो गया, आपने एड्स चलाने भी सीख लिए प्रैक्टिकली, आपको उसकी नॉलेज भी हो गई, अब आपको जॉब मिलना कितना ईजी है। तो कंपेयर करो उन लोगों के साथ जो फ्रेशर की तरह आ रहे हैं, कोर्स करके आए हैं, उनको प्रैक्टिकली तो कुछ आता भी नहीं है, और अगर आपने ये किया होगा तो प्रैक्टिकली आपको कितना कुछ आता होगा। तो ये मेरा पर्पस था कि आपको ये मैं एक तरीका बता दूँ, खुद इसलिए मैंने पहले टाइम निकाल के इसको टेस्ट किया, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ सही तरीके से, और ये मैं देख सकूँ खुद भी कि पैसा सही से वापस आ रहा है या नहीं। और ये मैंने देखा कि पैसा आ रहा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि अब आपके पास कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ ना रहे कि फ्री में कैसे सीखा जा सकता है। तो फ्री तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, पैसे से आप घुमा के पैसा वापस ला सकते हो और ख़ुद की लर्निंग सीख भी सकते हो। अब यार मैं इसकी टेक्निकल वीडियोस बना सकता था एक एक, बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा, इसमें जिसे कहते हैं ना, ये पूरा 15-20-25 घंटे का कोर्स बन जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ पे डिटेल में, डोमेन से लेके स्टोर, शॉपिफाई, फिर सेलर, फिर उसकी इंटीग्रेशंस, फिर उसकी सेटिंग्स, ये सब चीज़ें दिखाने में बहुत वक्त लगेगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस टेक्निकलिटी को आपको समझा सकूं, क्योंकि ये एक्चुअल में मेरा काम नहीं है। ये आपको बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएगा, उस पे मैं फिर से वीडियो नहीं बनाना चाहता, और वो वीडियो मुझे पता है पड़ी रहेंगी, तो ना मेरे पास इतना टाइम है यार कि मैं टेक्निकल वीडियोज़ को शूट कर सकूं, उसको फिर आपको बना के दिखा सकूं। उसमें बहुत वक्त लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है, जो बनाते हैं उनको हैट्स ऑफ है। तो उनकी वीडियोज़ आप जाके देखो, जिन्होंने ये बना रखी हैं, यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगी, इसीलिए मैं दोबारा नहीं बना रहा। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आपको यूट्यूब पे इस समय मिली होगी, कि कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं मिली होगी आज आपको। और अगर ऐसा है तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके रखो ड्रीम एक्सपेंसेस चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो मेरे साथ जुड़े रहना, और आगे आने वाली वीडियोस या पीछे जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर के लिए। तो मैं हूँ युवराज, ड्रीम एक्सपेंचर्स में आपका तहे दिल से स्वागत है, और अगर आप यहाँ तक बने हैं तो उसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।